Hey friends, this is Yash from Keshvaya Productions. We have come up with a new MCQ series, part number 7. And now we are currently moving towards the first question. That recently linking of the which of the following rivers was undertaking? मतलब इनमें से कौन सा रिवर जो दिया गया है वो उसका लिंकिंग अभी शुरू हुआ था. ऑप्शंस हैं कावेरी और तुंगभद्रा, गोदावरी और कृष्णा, महानदी और सोन और नर्मदा और ताप्ती. तो इसमें से कौन सा जो दो रिवर्स हैं उनकी लिंकिंग की गई थी? तो हमारा आंसर है गोदावरी और कृष्णा. अब ये देखिए, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्या है इन दोनों रिवर्स की जो लिंकिंग हुआ. ये तो जो पट्टी सीमा प्रोजेक्ट है वो क्या करता है, गोदावरी में से जो फ्लड वाटर है ना उसको लिफ्ट करता है और कृष्णा नदी के अंदर उस जो पोलावरम है वहां पे उसको पंप कर देता है जो कि है विजयवाड़ा में. तो इसीलिए दोनों का हुआ क्योंकि जो गोदावरी के अंदर जो फ्लड वाटर है वो काफी ज्यादा रहता है फिर तो फिर और वो वैसे भी वेस्ट ही जा रहा है तो उसी वजह से. और कृष्णा में कई कई जगह जो है वो वहां कम है पानी तो इसीलिए इन दोनों का इंटरलिंकिंग किया जा रहा है. नाउ सो आंसर है हमारा गोदावरी और कृष्णा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2 कि खराई कैमल जो है उसके बारे में, ये जो कैमल की एक ब्रीड है उसमें यूनिक क्या है. तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास कि वो 3 किलोमीटर तक सी वाटर में स्विम कर सकता है. दूसरा है कि वो मैंग्रोव को खाता है, उसको ग्रेस करता है. और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो है कि ये जंगलों में रहता है, वाइल्ड में रहता है और उसको डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो ऑप्शन नंबर 3 तो गलत ही है कि वो वाइल्ड में रहता है, उसे डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता. हाँ, ये ऑप्शन सच है कि वो मैंग्रोव को ग्रेस करता है और 3 किलोमीटर तक भी स्विम करता है. तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी. सो 1 एंड 2 ओनली, 3 है ही नहीं ऑप्शन, वो बिल्कुल गलत ऑप्शन है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3. रिसेंटली इन आवर कंट्री फर्स्ट टाइम एक स्टेट है जिसने डिक्लेयर किया है कि उसका स्टेट का पर्टिकुलर बटरफ्लाई होगा. तो हमारे ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, अरुणाचल, हिमाचल और कर्नाटका. तो ये जो है इनमें से कौन से स्टेट ने कहा है कि हमारा स्टेट का एक पर्टिकुलर बटरफ्लाई होगा? तो ये स्टेट का नाम है महाराष्ट्र. कि और उसने कौन सा किया है, जो ब्लू मॉर्मोन बटरफ्लाई है उसको अपना स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है, जो पर्टिकुलरली इंडिया और श्रीलंका में ही खास करके पाया जाता है और जनरली इंडिया में तो वेस्टर्न घाट्स में ही और कोस्टल बेल्ट्स में ही पाया जाता है. जो कोस्टल एरियाज है हमारे और वेस्टर्न घाट्स हैं महाराष्ट्र के अंदर, उसी में ये ब्लू मॉर्मोन्स पाए जाते हैं. तो हमारा आंसर है महाराष्ट्र. तो क्वेश्चन नंबर 4 कि ये ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है क्या? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास कि एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है गवर्नमेंट और बिजनेस लीडरों को समझने के लिए और क्वांटिफाई करने के लिए और मैनेज करते हैं ग्रीन हाउस के गैस के एमिशंस को. दूसरा, यूएन का एक इनिशिएटिव है जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है डेवलपिंग नेशंस को कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रिड्यूस किया जाए. और ऑप्शन नंबर सी है कि ये इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट है सारे मेंबर्स कंट्रीज के बीच यूनाइटेड नेशंस के कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस किया जाए 2022 तक में. और इट इज और ऑप्शन नंबर डी है, इट इज वन ऑफ द मल्टीलेटरल रेड इनिशिएटिव होस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक. तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल के अंदर वर्ल्ड बैंक है ही नहीं. दूसरा, कि ये जो इंटर गवर्नमेंटल में भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि जो 2022 तक स्पेसिफिकली इसकी बात करती है. तीसरा, यूएन कोई भी पैसा नहीं दे रहा फाइनेंस में ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल की बात. तो ऑप्शन नंबर ए आप देखिए, इट इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स टू अंडरस्टैंड क्वांटिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस एमिशंस. तो ये हमारा आंसर है कि ये जो है वो 38 मीटिंग जो थी ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप ऑफ पार्टीज टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसमें ये सब डिसाइड किया गया था और इसी के लिए ये न्यूज में आया था ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल. तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओनली. अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं. विथ रेफरेंस टू रेड सैंडर्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट इज द ट्री स्पीसीज और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया. तो रेड सैंडर्स है वो एक ट्री है साउथ इंडिया का और जनरली इंडिया के डेसीडियस फॉरेस्ट में पाया जाता है. तो हाँ, इट इज ट्री स्पीसीज फाउंड इन साउथ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया. लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रेड. हाँ, ये न्यूज में अभी अभी इसीलिए आया था
कि तिरुपति बालाजी के पास से उनकी रेड सैंडल्स की स्मगलिंग हुई थी और इसी वजह से काफ़ी हेडलाइन में आया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली अवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ बनाना विच अटेन अ हाइट ऑफ 11 मीटर्स एंड हैज ऑरेंज कलर्ड फ्रूट पल्प, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इट हैज बीन डिस्कवर्ड। तो ऑप्शन है अंडमान आइलैंड, एनामलाई फॉरेस्ट, माइकाला हिल्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। सो हमारा आंसर है अंडमान आइलैंड्स। जो BSI है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने ये डिस्कवर किया है। और जो है मूसा इंडमेंटलिस है, जो कि कृष्णा नाला फॉरेस्ट जो कि आइलैंड के अंदर है, उससे 16 किलोमीटर अंदर की ओर आया है। तो ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था और ये बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड में है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट है और एक कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट है, ये न्यूज़ में काफ़ी बार आ रही है। तो है क्या इसमें, मतलब किससे रिलेटेड है ये? तो ऑप्शन नंबर ए है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ऑप्शन नंबर बी है गंगा एक्शन प्लान, ऑप्शन नंबर सी है लिंकिंग ऑफ रिवर्स, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो अब हम देखते हैं कि ये है क्या। तो हमारा आंसर है प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। 5 सितंबर 2015 को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उसने 6 राज्य हैं हमारे जो कि वेस्टर्न घाट्स की ओर पड़ते हैं, उनको बैन कहा था कि वो वेस्टर्न घाट में सारी डिस्ट्रक्टिव प्रवृत्तियों को बैन कर दे। और ये सजेशन गाडगिल कमेटी की थी और कुछ ही, और रंगराजन कमेटी भी थी जिसने ऐसा कहा था कि वो केरला के इलेक्शंस के वक्त काफ़ी बल्ब हुआ था, वो न्यूज़ में आया था। तो वो रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स की ओर से। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम बताते हैं कि विथ रेफरेंस टू एजेंडा 21 समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ अ ओरिजिनल वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन 2002। अब ये देखिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए, जोहान्सबर्ग इन 2002 में है, लेकिन ये जो वॉलेंटियर, ये क्या है एजेंडा 21, ये एक वॉलेंटरीली प्लान है जो यूनाइटेड नेशंस का है और वो 1992 में हुआ था। सो 2002 ये काफ़ी गलत रहेगा, ये 1992 में हुआ था। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इट इज़ अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू एग्रीमेंट ऑफ UNFCCC मीटिंग इन पेरिस इन 2015, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब ये देखिए, जो पेरिस क्लाइमेट चेंज और जो पेरिस क्लाइमेट काउंसिल की बात हुई थी, इसके बारे में यहाँ बात की है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, 3 ऑप्शन है। दी एग्रीमेंट वॉज साइन बाई ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ UN एंड इट विल गो इन टू इफेक्ट बाई 2017। द एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट द ग्रीन हाउस एमिशंस सो दैट rise in global average temperature by the end of the century does not exceed 1.50 celsius above or 2.0 celsius above pre-industrial levels. Developed countries acknowledge their historical responsibility in global warming and committed to donate 1000 billion a year from 2020. ab ye dekhiye, yahan developed countries hai, developing nahi hai। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि वो 1000 बिलियन, कोई फाइनेंस की बात की ही नहीं गई थी इसमें। दूसरा कि ये 2017 से इफेक्ट में आएगा ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है कि कम से कम 55 कंट्रीज जब तक इसे ज्वाइन नहीं करती तब तक ये इफेक्ट में नहीं आने वाला। तो ऑप्शन बी सही है कि ये कहा गया था कि जब तक ये 21st सेंचुरी जब तक 21वीं सदी हमारी एंड तक नहीं आती, तब तक 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए तक। लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तो ऑलरेडी चला गया है, लेकिन 2 या 1.5 तक नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारा सही आंसर है, सो 2 ओनली। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम आगे बढ़ते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज लॉन्च्ड एट यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015। और सेकंड ऑप्शन है अलायंस इंक्लूड ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ UN। सो देखिए, ऑल मेंबर कंट्रीज तो है नहीं, तो ऑब्वियसली ये गलत हो गया। और ऑल या फिर नन का ऑप्शन भी है नहीं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बताए। तो यहाँ पे ये काफ़ी सिंपल है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज लॉन्च इन UN एट 2015। 11th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय ग्लोबल थिंक टैंक कॉल द क्लब ऑफ रोम। ऑप्शन नंबर 2 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030। तो इनमें से देखिए कौन सा सही है। देखिए 1972 में ऐसा कोई बात नहीं हुई थी, UN की 25 सितंबर 2015 को एक
समिट थी और उसमें कहा गया था कि 2030 एजेंडा की बात उसी में की गई थी कि उसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसमें की है पॉवर्टी, फाइट टू इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, टैकल क्लाइमेट चेंज, वो सब थे कि जो बात किए गए थे. ऐसे 17 टोटल चीजें थी. द हिस्ट्री ऑफ एसटीजीज कैन बी ट्रेस्ड इन 1972, 1972 में ये सब किया, उसकी हिस्ट्री है. लेकिन ऐसा जो ये जो बातें हुई थी वो 1972 में नहीं हुई थी, ये बातें हुई थी 2015 में, और वो भी यूएन में, क्लब ऑफ रोम में तो कुछ नहीं है ऐसी ग्लोबल थिंक टैंक में. अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं कि इन विच सिटीज ऑफ अवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमोस्फेरिक गैसेस आर कंसिडर्ड नॉर्मली इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन. तो देखिए मीथेन तो कंसिडरेशन होता नहीं है हमारा. अब ये देखना, आप याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी कंसिडरेशन नहीं होता, तो 1 और 5 चले जाते तो हमारे पास आंसर है 2, 3, 4, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड. तो 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है. क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. सैंड डेजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, हायर हिमालयस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सॉल्ट मार्शिश ऑफ वेस्टर्न गुजरात और वेस्टर्न घाट्स. अब ये देखिए आंसर हमारा है वेस्टर्न घाट. क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में काफ़ी मतलब ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और ग्रेट हॉर्नबिल्स कहाँ पाए कहाँ जाते हैं. तो ग्रेट हॉर्नबिल्स जो है नेपाल, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, आइलैंड ऑफ सुमात्रा, यहाँ पे ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पाए जाते हैं. तो और वैसे भी जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना हमारे वेस्टर्न घाट्स का, उसी की वजह से हम इसे लूज कर सकते हैं. तो हमारा आंसर है वेस्टर्न घाट. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरमेंट बेनिफिट्स एंड कॉस्टिंग एंड कॉस्ट इनटू यूनियन एंड स्टेट बजट्स, देयरफॉर थेयरबाय इंप्लीमेंटिंग द ग्रीन अकाउंटिंग, लॉन्चिंग द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन टू enhance agricultural output so as to ensure food security, or third, restoring and enhancing the forest cover and responding to climate change by combination of adaptation and mitigation measures. तो जो हमारा third number का option है वो सही है, क्योंकि देखिए green india mission के जो भारत सरकार ने launch किया है उसके अंदर कहीं भी finance और budget के अंदर की बातें ही है ही नहीं. और जो national action plan on climate change है उसके अंदर सिर्फ फॉरेस्ट कवर जो डिमिनिश काफ़ी स्पीड से हो रहा है उसे बढ़ाने की बातें की गई है. सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात इसके अंदर नहीं है. हाँ, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बातें तो चल रही हैं, लेकिन ये जो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है वो उसके अंदर तो नहीं है, ग्रीन इंडिया मिशन में. सो ऑप्शन नंबर 3 ही सही है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स टर्म. समटाइम्स ये जो न्यूज़ में ऐसा कई बार आता है, एनेक्स वन कंट्रीज जो है कार्टेगना प्रोटोकॉल, दूसरा सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस है नागोया प्रोटोकॉल, और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है क्योटो प्रोटोकॉल. अब यहाँ पे ये देखिए जो एनेक्स वन कंट्रीज हैं, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस हैं, ये दोनों ही क्योटो प्रोटोकॉल में ही हैं. नागोटा प्रोटोकॉल और कार्टेगना प्रोटोकॉल में ऐसा कुछ है ही नहीं. तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन हैं, वो तीनों तीन सिर्फ और सिर्फ मतलब क्योटो प्रोटोकॉल में ही यूज़ किए गए थे. तो हमारा ऑप्शन है सी ओनली, क्योंकि इन दोनों के अंदर जो प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं वो गलत हैं प्रोटोकॉल्स, ऐसा कोई है ही नहीं. तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस. आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगेंगे. हो सकता है हमसे कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं. तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों को जो UPSC की परीक्षा दे रहे हैं उनको कहिए कि यहाँ पे ऐसे MCQ सीरीज आती हैं. थैंक यू.